महापौर है, हम लोग का जो मालिक है ना, हम लोग का एकदम सतेलो व्यवहार से। उस समय जो है कि हमारे ऊपर जो है कि ना तो 144 धारा लागू हुआ ना 100। नमस्कार, आईवीटीवी देख रहे हैं आप। अभी हम मौजूद हैं मौर्य लोक कैंपस में, जहां सफाई कर्मी, नगर निगम के सफाई कर्मी धरना पे बैठ गए हैं, मांग पे बैठ गए हैं। कल से क्या कुछ मांग है वो जानेंगे, धरना पे बैठे हुए हैं। और साथ ही इनके जो यूनियन हेड हैं वो भी आगे बैठ गए हैं, तो उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मांग है, फिर आपको बताते हैं। हम लोग जो डिमांड है, कोई नई डिमांड नहीं है, और ख़ास करके जो है पटना को साफ सुंदर और स्मार्ट बनाने वाले कर्मचारियों के आज का डेट में जो है कि 8,000-9,000 जो है वेतन मिले, यह बहुत शर्मनाक की बात है। और इसके लिए जो है हम लोग 2020 से लगातार जो है कि लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन मात्र जो है आश्वासन दे दिया जाता है और एक चिट्ठी थमा दिया जाता है कि यह समझौता हुआ, लेकिन उस समझौता को जो है कि आज तक जो है कि उस पर क्रियावान नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। हमारा जो मांग जो है, हमारे कर्मियों को जो 15-17 साल से जो काम कर रहे हैं उनको स्थायीकरण किया जाए, और जो है समान काम का समान वेतन 21,000-25,000 दिया जाए। और हम लोग बैठे हुए, आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन है, जो नगर आयुक्त जो बोले उनका जो निर्देश आया है, व्यवसायिक होकर परेशानी होगी तो कुछ लोगों पे तो धारा 144 लागू कर दिया गया है, इसलिए हम लोग का जो है, हमारा जो है प्रबंधक है, हमारा नियोजकता है, हमारा जो है, और ये हमारा इतिहास रहा है नगर निगम के, जो हमारा नगर आयुक्त है, हमारे नियोक्ता है, हमको उन्हीं से, हमको कलम से वेतन भुगतान होता है। तो हम लोग हमेशा जो है, आज कोई नई बात नहीं है, धरना प्रदर्शन नहीं करें, लगातार जो है कि अगर 20 में हम लोग हड़ताल किए थे, 21 में हड़ताल किए थे और 22 में भी हड़ताल किए थे, और ये पूरे पर्यांगन जो है कि भरा रहता था। उस समय जो है कि हमारे ऊपर जो है कि ना तो 144 धारा लागू हुआ ना 107 हुआ, लेकिन यह जो है, यह सामंती विचार का जो है, यह नगर आयुक्त हैं, प्राशर जी हैं, और ये इनका सोच जो है सर कर्मचारियों को दमन करने के लिए हड़ताल कल से शुरू हुआ है, और यह जो है कि दमन का कार्रवाई जो है कि 2-3 दिन पहले से जो है सबको 107 का जो है, और 300 कर्मचारियों को 107 करके जो है सबको जो है कि मजिस्ट्रेट के यहाँ दौड़ाने का काम किए। कहा भाई, मजिस्ट्रेट साहब भी बोले कि क्या बात है भाई, आप लोग जब कोई तोड़ फोड़ नहीं किए हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है हड़ताल करने का, प्रदर्शन करने का, आप लोग कीजिए, खाली बस यही है कि तोड़ फोड़ मत कीजिएगा। और ये यहाँ हमारा जो है नियोक्ता है, हम तो उनके सामने ना प्रदर्शन करेंगे, तो यह जो है कोई हम उन लोग का कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग शांतिपूर्वक किसी तरह, अगर दुकानदार से पूछिए कि किसी तरह का अभद्र कोई कर्मचारी व्यवहार किया है, तो ऐसा कोई नहीं है, हम लोग शांतिपूर्ण जो है हम अपना जो है कि धरना प्रदर्शन और यह सभा को चला रहे हैं, और उन्हीं पुराने मांगों के लिए जो हमारे उप मुख्यमंत्री से लेकर जो है प्रधान सचिव, महापौर और कमिश्नर साहब समझौता कर चुके हैं, हम उसी मांग को मांग रहे हैं, दूसरा कोई हमारा डिमांड नहीं है। और यही मांग के लिए बार बार आश्वासन दे के एगो चिट्ठी थमा देते, कहते कि जाओ सुतर रहो, तो यह कब तक ला 8,000-9,000 में काम करेगा कर्मचारी। हम लोग का मांग है कि मेहनत जितना करते हैं उस हिसाब से वेतन दिया जाए, हम लोग के दैनिक में किया जाए, एजेंसी वाला को वो दैनिक वाला का स्थायी किया जाए, हम लोग 20,000 वेतन दिया जाए कम से कम, 5,000-6,000 से हम लोग का पेट भरने वाला नहीं है, नहीं तो हम लोग का जगह पर कमिश्नर है चाहे जो भी ऊपर के आदमी, हम लोग का जगह पर वो रख कर देखें, 5,000 में महीना चला कर देखें, तब हम जानेंगे कि चलाए, हम लोग 5,000 में गुजारा करते हैं, बाल बच्चे का आधा कोना खिला के कैसे करेंगे, हगल मुतल साफ करते हैं तो रोड पर लट साहब बन कर चलते हैं, और हम ही लोग का पेट नहीं भरते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है, हम लोग का इंसाफ चाहिए। और जब तक
हम लोग का वेतन मांग है 18,000 हम लोग का वेतन मांग है। 18,000 है, 18,000 हम लोग के दिया जाए, अस्थाई करा जाए। कुत्ता बिलाई सड़ल मरल उठाते हैं, कुत्ता पर मैला रहता है, रोड पर जो बहारते हैं, ये उम्र में काम करते हैं। बेटा भतार कहता है कि जाओ 10,000-5,000 में पेट नहीं बढ़ेगा, जाओ अपना किराया लगता है, एक रूम के 5,000-6,000 किराया लगता है, कहाँ से देंगे। अपना हक का कमाई मांग रहे हैं पेट लिए, चोरी करके नहीं, बदमाशी करके नहीं, अपना पेट के लिए बाबू लड़ाई है, पेट पेट हम लोग का न भर रहा है, यही मांग है। हम लोग के कुछ मांग मिलता नहीं है, हम लोग बार बार हड़ताल कर कर के हम लोग इतना भीड़ लगा चुके हैं, और सब कहता है कि मिल जाएगा, कहाँ मिल रहा है, कहाँ मांग पूरी हो रही है। बैठे कोई देखने नहीं आया, कोई नहीं आया देखने। हम लोग भूख प्यास सवेरे से हम लोग अगोरले रहते हैं यहाँ पर ही, बच्चा लोग को छोड़ छोड़ के कुछ नहीं। हम लोग डायरी के मजदूर है, हम लोग काम करते हैं रोड पर 6 बजे से लेके 2 बजे तक ला। कितना वेतन चाहिए, कितने वेतन हम लोग का परमानेंट किया जाए, परमानेंट स्थानीय किया जाए, और वेतन कितना चाहिए। वेतन 25,000 दे कर दीजिए। हाँ, हम लोग को नहीं आता, 2007 से काम कर रहे हैं, यहाँ से नहीं खट रहे हैं, 2007 से कर रहे हैं काम, अभी तक कोई सुनाई नहीं है। हम लोग के मांग है यही कि हमको वेतन नहीं चाहिए, हमको परमिट चाहिए, सरकारी कर दीजिए, बस हम उतना ही चाहते हैं। वेतन हमको उतना ही चाहिए, लेकिन हमको परमिट कर दीजिए, सरकारी कर दीजिए, ये दोनों चीज हमारा सरकारी खाली कर दीजिए, बस उतना ही चाहिए। हमारा 10,000 में पेट नहीं भरता है। क्यों हड़ताल? हम लोग पटना नगर निगम के कर्मचारी हैं, हम लोग 14-15 बरस से काम कर रहे हैं, हम लोग का कहता को जी के पदे ख़त्म हो गया है, इतना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, दैनिक में हम लोग के कह रहा है कि बहाल, तो हम लोग कब तक ना दैनिक में काम करेंगे। हम लोग का यही मांग है सरकार से, बार बार हम लोग सरकार से यही कर रहे हैं मांग, हम लोग का हाईकोर्ट फैसला दे दिया, इतना बड़का समझिए कि न्यायालय है, वो फैसला हम लोग के पक्ष में दिया है, फिर भी हमारा सरकार है नहीं चाह रहा है। हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री तो हमारा कोई के भी पार्टी का सरकार आवे, नीतीश बाबू तो रहते हैं, नीतीश बाबू को सोचना चाहिए कि हमारे ये देश का सबसे महान काम करता है स्वच्छता, आज स्वच्छता बिना कहूँ किसी प्रोग्राम होता है नहीं होता है। पटना के जगह जगह पे कूड़ा भर गया, आपके जानकारी में ये चीज़ तो है ना कि पटना में हर जगह डेंगू फैला हुआ, उसके बाद भी आप लोग जो है धरना पे बैठ गए हैं। हम लोग का मजबूरी है, सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं कि जनता को पहले एकदम खुश करके रखे, चकाचक हम लोग जब भी काम करते हैं ना तो दिल एकदम हृदय से काम करते हैं, लेकिन हमारा जनता खुश रहता है हम लोग के काम से, लेकिन हमारा निगम प्रशासन, निगम का सरकार, जो भी जो नगर विकास मंत्री रहता है चाहे जो महापौर है, हम लोग का जो मालिक है ना, हम लोग का एकदम सतेला व्यवहार से भी बेहतर व्यवहार उसका है। हमारा महापौर तनको ध्यान नहीं देता, हमारा नगर विकास मंत्री है वो तनको सोचबे नहीं करता कि लोग दलित है कि महादलित है कि क्या है कैसे नहीं है। हमारा 10,000 में बाल बच्चा के पेट पर नहीं भरता, हम लोग 5,000 रुपया किराया देते हैं महीना में, 5,000 रुपया में हम अपना बाल बच्चा के क्या पढ़ावेंगे क्या लिखावेंगे। हमारा सरकार का मतलब है ना कि लोग दलित है महादलित है, ये लोग के वेतन ज़्यादा कर देंगे तो एक बाल बच्चा IAS अफसर बन जाएगा, पुलिस बन जाएगा, तो इसको नाली के कीड़ा के नालिए में रह दो। हमारा नीतीश बाबू की यही सोच है, हमारा ये संदेश चल जाएगा ना तो उनको कम से कम ध्यान आएगा कि हम लोग के जान बूझ के मारे हुए हैं। मैं हड़ताल पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आज का डेट में 400 रुपया में कौन आप कर सकते हैं ड्यूटी, ये बताइए आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि कमिश्नर साहब का ड्राइवर का भी 25-30,000 सैलरी होगा, क्योंकि हम लोग नाली करते हैं उसमें लेटरिंग रहता है, बहुत सा ऐसा चीज़ होता है कि स्मेल करता है तो आपके घर के दरवाजा के पास ही जाता होगा इसमें, तो ये बताइए कमिश्नर साहब का जब ड्राइवर 25,000 उठा सकता है तो हम लोग क्यों नहीं साफ सफाई करके राजमिस्त्री वाला क्यों है? पैर हाथ धोएगा, 5 बजेगा, सुबह 9 बजे ड्यूटी जाएगा, वो 600 रुपया ले कर चले जाएगा, तो ऐसा क्यों काम नहीं करेंगे हम लोग जो 10,000 में तो पेट भरने वाला है नहीं? हाँ, ये बताइए तेजस्वी यादव भैया ने उनका ड्राइवर का भी सैलरी कम से कम 50 से 45,000 होगा,
हम लोग तो 8 घंटा 9 घंटा कभी कभी छठ में ऐसा होता है कि 12-12 घंटा ड्यूटी देते हैं हम लोग, ठीक। तो हम लोग इसीलिए धरना पे दिए हुए कि हम लोग का सैलरी बढ़ाया जाए और जो एजेंसी अगर आयुक्त जो अपना बात रखे जो निर्देश रखे उसे आप वाकिफ नहीं, कोई नहीं है। हम लोग का पहला नंबर ये जो दैनिक है उसको स्थायी दिया जाए और जो एजेंसी है वो उनको दैनिक किया जाए, क्योंकि आज का डेट है लोग का नहीं ऐसा करता है। तो कम से कम 25 से 30 हज़ार सैलरी कम से कम करो, महीना के 600-700 डेली के हिसाब से देगा तो महीने का अभी कितना है? अभी महीना के 9,000 रुपया है, जिसमें से कट के 4 संडे आता पता कितना 800 कुछ रुपया आता है। तो ऐसा में कौन ड्यूटी करेगा, खुद का अपना दुकान नहीं खोल लेगा, कहीं पे बीड़ी या चाय का भी दुकान खोल लेगा तो 2,000 लोग कमा लेता है। वही अस्थाई मांग रहा है, अस्थाई ना तो 20,000 वेतन चाहिए बस। अभी कितना है? 9,000। अभी 9,000 कुछ रुपया मिल रहा है अभी। और 20 की मांग है? नहीं, हमारा 20-25 के मांग है कि हमारा वेतन बढ़ जाए बस। पिछले बार जो हड़ताल हुआ था उसमें हम ये दो उससे पहले भी हड़ताल हुआ था तो उस समय जो है हम लोग का कोर्ट में जो है अथी चला गया, कोर्ट डिसाइड करेगा। तो अभी अगला हड़ताल में जो है चीफ जस्टिस ने डिसाइड किया, उनको अथी दिया तेजस्वी जी को कि इसको समेटिए, ये आपका अंडर में समेटे थे। तेजस्वी जी आश्वासन दिए हैं कि हम एक महीना में जो है आप लोगों का क्लियर हम कर देंगे, एक महीना में कर देंगे। आज साल भर बीतने जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, न पैसा बढ़ाने का ना हम लोग का स्थायी करने का। ये बताए 400 रुपया में हम लोग मूत्र मल साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, इससे बढ़िया सीमेंट बालू में करता है वो 700 रुपया 800 रुपया ले रहा है, कमा रहा है। तो हम लोग मूत्र मल 400 रुपया में करेंगे काम, 400 रुपया में करते हैं, 400 रुपया हमारे बाल बच्चा के पढ़ाएंगे लिखाएंगे क्या करेंगे उसमें, कि खाएंगे कि किराया भरेंगे क्या करेंगे। तो इसलिए हम लोग का जो आश्वासन दिए थे तेजस्वी बाबू कि आप लोग का स्थायी कर दिया जाएगा, तो हम लोग वही बस हड़ताल इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग का अस्थायी करना। नगर आयुक्त का जो बयान है जो वो निर्देश दे रहे हैं इससे आप वाकिफ हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि मॉडल लोक में जिस तरह से आप आके बैठ रहे हुए हैं इस तरह के जो यहाँ के व्यवसायी हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो वो सब करवा रहे हैं नगर आयुक्त, मान ही नहीं रहे बात। वही करवा रहे हैं। हाँ, तो मान ही नहीं रहे बात को। कुछ लोग जो लोग धरना पे बैठे हैं उन पे धारा 144 भी लागू करवा दिया। 144 लागू कर दिया गया है तो ये मनमानी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको चोरी चकारी करने किया है, किसी को डकैती करने किया है कि उसको धारा लगा दिए हैं, 107 लगा दिए हैं, 144 लगा दिए हैं, क्या किए हम लोग, किसी को कुछ करने किए हैं? अरे अपना मांग मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, मजदूरी मांग रहे हैं, उस पर 44 लगा दे रहे हैं, 44 धारा लगा रहे हैं, 107 लगा दे रहे हैं। अरे ये कौन सा नियम है भाई, ये कौन सा कानून है? यही अपना संविधान बना, इनका अपना संविधान चलता है बाबा, सामने संविधान बनाया था, लड़के लेना है, हक लेना है, हक मजदूर लेना है। नगर निगम के सामान्य समिति के जो यूनियन हेड हैं वो लीडर हैं वो भी अभी हमारे साथ हैं, चंद्र प्रकाश। देखिए मांग हम लोगों का कोई नई मांग नहीं है, ये वर्षों से खास करके 2020 से लगातार इन सवालों को हम लोग उठा रहे हैं कि जो दैनिक कर्मी यहाँ काम करते हैं सफाई से लेके अन्य सभी व्यवस्थाओं को अगर नगर निगम में कोई चलाने वाला है तो वो यहाँ के दैनिक कर्मी हैं। उसके बाद दूसरे जो फोर्स हैं यहाँ पर वो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जो कंपनी के द्वारा बहाल किए जाते हैं और विभिन्न कंपनियों को यहाँ रखा गया है। तो इन दोनों के बारे में हम लोगों ने सवाल उठाया है। अब दैनिक कर्मी की अगर बात करेंगे तो आप देखिए 15 वर्ष 16 वर्ष 17 वर्ष से लगातार ये काम कर रहे हैं, तो ये दैनिक कर्मी नहीं है, तो अस्थाई कर्मी के इक्विवेलेंट हैं। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया कि इनका नियमितीकरण कर दीजिए, और अगर करने में प्रक्रिया करने में कोई विलंब हो रहा है, कोई और नीतिगत फैसला लेना है, तब तक समान काम समान वेतन का जो नीति है, जो सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है और अन्य जगहों पर सरकार इसको मानती भी है, तो इसको फॉलो करे नगर निगम। चूँकि क्या है कि एक सफाई मजदूर को 40,000 वेतन मिलता है और दूसरे सफाई मजदूर को वहीं पर सिमिलर काम के लिए, बल्कि और ज़्यादा हार्ड वर्किंग है दैनिक मजदूर, उनको आप 10,000 दे रहे हैं तनख्वाह। तो ये जो डिस्पैरिटी है इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, और साथ साथ हम लोग ये भी कर रहे हैं कि सरकार ने भी अपने यहाँ के जो उनके चतुर्थ वर्गीय और कर्मचारी हैं जो संविदा पर हैं दैनिक हैं उसी समान हैं, उनको 21,000-25,000 का वेतन मिल रहा है। और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार ने
इसको संकल्प रूप में निकाला भी है, समय समय पर उनका वेतन वृद्धि होता है। वेयर एज अगर देखा जाए तो नगर निगम में दैनिक मजदूरों को 7 बरस में 2 बार वेतन वृद्धि हुआ है। तो ये तो इतिहास है कि 7 बरस में कोई वेतन बढ़ता है। न्यूनतम मजदूरी साल में 2 बार बढ़ता है, परमानेंट जो कर्मचारी हैं उनका साल में 3 बार वेतन बढ़ता है। तो ये दैनिक मजदूर कौन सा गुनाह कर रहे हैं जो इनको 7 बरस में आप 2 बार वेतन बढ़ा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप कहते हैं कि नहीं 60 बरस तक ये रहेंगे, भाई 60 बरस तक रहेंगे तो इसी तरह से डोल पत्ता खाते रहेंगे कि 60 बरस तक अगर इनको रहना है तो इनके सर्विस कंडीशन को तय करना चाहिए। इनका क्या सेवा शर्त होगा, कैसे छुट्टी होगी, क्या इनका इंक्रीमेंट होगा, किस तरह से इनका वेतनमान का निर्धारण होगा, ये सब तय होना चाहिए। इन सारे चीज़ों पर हम लोगों ने सरकार का, नगर निगम का, बोर्ड का, सबका ध्यान आकर्षण किया है। अभी तक कोई सुनवाई प्रॉपर वे में नहीं हो रही है। दूसरा पक्ष जो आउटसोर्स कर्मियों का है, उसमें पटना नगर निगम पूरे बिहार में एक उदाहरण है कि भ्रष्टाचार किस तरह से फल फूल रहा है आउटसोर्स के माध्यम से। केवल एकमात्र वेतन में पटना नगर निगम में वेतन घोटाला के रूप में इंप्रेशन कंपनी जो यहां से ब्लैक लिस्टेड होकर चली गई 90 करोड़ रुपया वेतन का घपला करके गई। और ये हम कह नहीं रहे हैं, ये कि नगर आयुक्त जो अभी प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, इन्होंने ही हम लोगों के मांग पर जांच किया और 1200 से ऊपर लोग ऐसे फर्जी पाए गए जो काम में है ही नहीं और हर महीने उनका वेतन जा रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई वो आप इसको ऐसा व्यवस्था करिए कि आउटसोर्स कर्मियों को अधिक कमीशन जो आप दे रहे हैं कंपनी सबको, वो जांच नहीं, वो तो बंद करिए, इनका डायरेक्ट भुगतान इनके काम के अगेंस्ट में इनके सैलरी में करिए। और ये जो घपला हुआ इसके विरुद्ध केवल ब्लैक लिस्टेड करने से काम नहीं चलेगा, इंप्रेशन कंपनी पर FIR होना चाहिए और अगर नगर निगम में कोई उसके जिम्मेवार लोग हैं उनके विरुद्ध भी FIR होना चाहिए कि ये 90 करोड़ रुपया कैसे घपला हुआ है। तो हम लोग उनके लिए भी मांग कर रहे हैं कि उनको भी समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। एक ड्राइवर को 40,000 मिलता है, दूसरे ड्राइवर को 10,000 मिल रहा है। तो हम भी मांग हम लोग उठा रहे हैं। तो इन मांगों को लेकर के लड़ाई चल रही है, लेकिन सरकार इन मांगों को मानने के का जो एक रास्ता बनाना चाहिए था वो नहीं बन रहा है। नगर निगम के तरफ से, निगम के प्रशासन, नगर आयुक्त, महापौर जो लोग भी हैं, लगता है कि बिल्कुल दलित विरोधी जो मानसिकता है इन लोगों की वही है। चूँकि ये सारे काम करने वाले लोग जो हैं इसमें अधिकांश लोग दलित वर्ग से आते हैं, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और इनको अगर आप इनको अपलिफ्टमेंट इनका नहीं होगा, इनको सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, तो ये सामाजिक न्याय का नारा देने वाले जो राजनीतिक दल में शासन में जो लोग बैठे हैं, तो ये नारा देने का कोई मतलब नहीं है कि न्याय के साथ हम विकास करेंगे। तो ये न्याय के लिए लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। तो जो नगर आयुक्त हैं मांग नहीं सुनकर कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि जो मॉडल लोग में व्यवसायी हैं, अन्य व्यवसायी हैं, उनको परेशानी हो रही है, और अगर जो सफाई कर्मी हैं अपनी मांग से पीछे नहीं हटते या कहीं ना कहीं वो समझते नहीं हैं तो उनके ऊपर धारा 144 लागू हो जाएगा, और कुछ लोगों पर हो भी गया है। देखिए अब तो धारा 144 लागू हो तो, या और भी कोई उससे भी कड़ा कोई धारा हो लागू होगा, तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, या तो मांग दे दो या पकड़ के जेल ले जाओ। तो धारा लागू होने के बाद क्या होगा, मुकदमा होगा, मुकदमा होने के बाद क्या होगा, गिरफ्तारी होगी, जेल जाएंगे। तो उसके लिए तो पहले ही से बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सुना आपने, हमने सफाई कर्मियों से बात की, क्या कुछ मांगे हैं, मांगे जानने की कोशिश की, और साथ ही जो यूनियन हेड हैं उनसे भी बात की। सफाई कर्मी ने साफ बताया कि हमें स्थानीय होने का दर्जा चाहिए और जो पेमेंट है उसको बढ़ा देना चाहिए, 5,000 रुपये में कुछ नहीं होने वाला है। जो उनकी डिमांड है पैसे को लेकर के, पैसे बढ़ाने को लेकर के उन्होंने अपनी डिमांड रखी। इसी के साथ बने रहिए IVTV पे, मैं हूँ मौसम कैमरामैन सोनू के साथ, धन्यवाद। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।